तो भैया देख लो कितनी दूर तक ये लाइट जाती है, और ये कोई ऐसी वैसी लाइट नहीं है, ये है ऑक्सबीम का सोना। देख सकते हो आप कितना बाइक डिले कवर कर रही है रोड का। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इंडियन बाइकर बॉय यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर, जिससे आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ओलम ट्रेड के बारे में। ओलम ट्रेड एक वेबसाइट है जहां पर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कुछ स्ट्रेटेजीज के साथ आप यहां से काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग कैसे करते हैं और किस तरह से यहां से पैसा कमाया जा सकता है, वो सब आप सीख सकते हैं हिंदी में कैसे पैसा बनाओगे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर सौम्य रॉय जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं और मेरे दोस्त हैं, वो आपको हिंदी में ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स देते हैं, और साथ ही में वो काफी ट्रैवल करते हैं, तो आपको उनके चैनल पर काफी अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल का नेम है कैसे पैसा बनाओगे, और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप उनको एक बार चेकआउट जरूर करें। तो दोस्तों कुछ इस तरह के पैकेज में हमको ये लाइट रिसीव हुई थी, और ये रहा इसका मेन बॉक्स, ऑक्सबीम एलईडी लाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये लाइट आती है H4 सॉकेट के साथ। तो हमारी जितने भी बाइक या स्कूटर्स हैं जिनमें सिंगल लाइट रहती है, उनमें H4 सॉकेट ही लगता है। तो इस तरह का हमको इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस लिखी हुए हैं लाइट्स के, जैसे कि एक्सट्रीमली ब्राइट और 50,000 आवर्स तक इसका वर्क टाइम है विदाउट कलर फेडिंग, और प्लग इन प्ले वाला सॉकेट है। यहाँ पर कोई वायरिंग कटिंग मटिंग कुछ भी नहीं करना है हमको। तो इसका बॉक्स खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मिलते हैं यहाँ पर ऑक्सबीम के दो स्टिकर्स, फिर यहाँ पर ये कुछ बॉक्स टाइप का है। तो अभी लाइट को रखते हैं साइड में और इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये कुछ हमको पैम्पलेट टाइप के मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर्स वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर ये मिल जाता है हमको वारंटी कार्ड, और ये इसका है प्रोडक्ट मैनुअल। तो अब देख लेते हैं हमारे मेन बॉक्स को। तो यहाँ पर हमको इस तरह से ये दो लाइट रखी हुई मिल जाती हैं, और ये लाइट दो के पेयर में आती हैं, ये आपको सिंगल नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन काफी बढ़िया है, क्योंकि ये लाइट बिलीव मी काफी ज्यादा प्रीमियम है। बिल्ड मटेरियल काफी बढ़िया है इसका, टच करने पर पता चल रहा है कितने अच्छे मटेरियल से इनको बनाया गया है। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं है, और ऐसा ही कुछ कम्प्रोमाइज इन्होंने प्राइस में भी नहीं किया है। तो प्राइस में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो दोस्तों ये लाइट्स ऑक्सबीम की F16 गोल्ड सीरीज की लाइट्स हैं, और ये लाइट्स IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आती है, मतलब कि ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। 5,000 ल्यूमेंस का हमको इसका लाइट आउटपुट मिल जाता है, और जो इसके वर्किंग आवर्स बताए गए हैं वो बताए गए हैं 50,000 घंटे विदाउट कलर फेडिंग। और लाइट के पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक फैन मिल जाता है, 7,000 RPM पर इस लाइट को कूल करता है, जो कि काफी बढ़िया है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है इस लाइट में बिल्ट इन कंट्रोल ड्राइवर, जो कि करंट एरर्स को अवॉइड करता है और लाइट में किसी भी तरह का फेलियर नहीं होने देता है। तो ये रहा इसका H4 सॉकेट, इसको सिंपली हमको अपनी हेडलाइट को खोलना है, और जो हमारा बल्ब लगा हुआ है उसको निकाल कर उसकी जगह पर इसको लगा देना है, और जो H4 सॉकेट रहता है उसमें हमको सिंपली इसको प्लग कर देना है। प्लग इन प्ले वाला सिस्टम है, इसमें कोई भी वायरिंग वगैरह नहीं है, तो इसको आप नॉर्मली बिल्कुल सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों लाइट का पूरा बिल्ड मैटलिक है, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की ये लाइट्स हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रीमियम इसकी प्राइस है। तो इन दोनों लाइट की प्राइस है 3,500 रुपये। प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी एकदम से बिल्कुल टॉप लेवल है। बाकी जो लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं वो इसी तरह की लाइट्स को यूज करते हैं, क्योंकि सस्ती लाइट्स पर लॉन्ग राइड पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए मैं आपको इसका नाइट में व्यू दिखा देता हूँ, कितना हमको व्यू मिल जाता है रोड पर, और कैसी हमको रोड पर विजिबिलिटी मिल जाती है इस लाइट को इंस्टॉल करने के बाद। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जिस जगह पर अभी मैं हूँ यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया विजिबिलिटी हमको रोड पर यहाँ पर मिल रही है। और मैं आपको यहाँ पर लाइट बंद करके भी दिखाता हूँ कितना अंधेरा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बिल्कुल पूरा अंधेरा है। और लाइट चालू आप करके देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी विजिबिलिटी हमको रोड पर मिल जाती है। तो अभी मैं अपनी बाइक से कितनी ज़्यादा दूर हूँ आप देख सकते हैं, और उसके बाद भी यहाँ तक रोशनी बहुत ही अच्छी साफ आ रही है, क्लियरली रोड विजिबल है हमको। और ये रहा हेडलाइट का व्यू, तो आपको यहाँ पर गोल्डन कलर में लाइट देखने को मिल जाती है। और जब हम अपर डिपर करते हैं तो ये यहाँ पर एक छोटा सा स्विच देखने को मिलता है, जब स्विच होता है ये अपर और डिपर में। और इसका फैन भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। जो बिना फैन वाली LED लाइट होती हैं वो कुछ टाइम बाद हीट होकर ख़राब हो जाती हैं। आप इसके फैन का साउंड भी सुन सकते हैं। दोस्तों अभी ये लाइट डिपर पर है, और आप देख सकते हैं कितना लंबा एरिया ये रोड का कवर कर रही है, राइडर को मतलब बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देती है लाइट रोड पर। तो यार बस यही था इस लाइट का रिव्यू वीडियो। अगर आपको इस लाइट को परचेस करना हो तो मैंने परचेस करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की बाइक से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं, इसलिए मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।